नमस्कार, पीपीए 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पीएम मोदी की जनसभा में आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी, 3 यूपी समेत 6 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में पीएम की जनसभा में आतंकी साजिश की घटना को अंजाम देने की फिराक में 3 अलग अलग जगहों से आतंकी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ के आलमबाग में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के भाई से भी इनके कनेक्शन बताए जा रहे हैं। बता दें कि गिरफ्तार आतंकवादियों में 2 ने पाकिस्तान में प्रशिक्षण लिया है। स्पेशल सेल विशेष पुलिस आयुक्त नीरज ठाकुर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की पहचान अबू बकर, जान मोहम्मद, अली शेख, ओसामा, मूलचंद उर्फ लाला, जीशान कमर और मोहम्मद आमिर जावेद के रूप में हुई है। इतने से ओसामा और जीशान की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई है। ये लोग नवरात्र, रामलीला और अन्य उत्सवों में विभिन्न राज्यों में बम धमाका करने की फिराक में थे। आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि ओसामा और जीशान यहां से मस्कट गए और वहां पाकिस्तान जाकर 15 दिनों की ट्रेनिंग ली है। इन दोनों का अंडरवर्ल्ड से संबंध था, जो दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के द्वारा संचालित किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जब इन दोनों को मस्कट से पाकिस्तान ले जाया जा रहा था, तब इनमें से 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से, 2 को दिल्ली और 1 को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं।